Hey everyone, my name is Aditya and welcome back for another video. So guys, kuch time pehle maine ek video banayi thi 10 hair styling products in India ranked from worst to best and us video ke andar maine aap logo se pucha tha ki kya aapko उस्तरा हेयर क्रीम का रिव्यू देखना है या नहीं एंड बिलीव मी और नॉट बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी इस प्रोडक्ट के रिव्यू के लिए तो इस वीडियो में मैं इस प्रोडक्ट का रिव्यू करूँगा एंड आपको बताऊँगा कि क्या आपको ये प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए या नहीं एंड इसके क्या बेनिफिट्स है क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है सब इस वीडियो में कवर करूँगा सो इफ़ यू वांट टू नो लॉक योर आई बॉल्स इनटू दिस वीडियो तो गाइस इस वीडियो में मैं कवर करूंगा इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग इंग्रेडिएंट स्मेल कंसिस्टेंसी एंड ब्रेकडाउन एप्लीकेशन होल्ड एंड फिनिश वॉशेबिलिटी एंड माय कंक्लूजन तो स्टार्ट करते हैं इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग से ये प्रोडक्ट एक प्लास्टिक के जार में आता है एंड उस्तरा वालों ने अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग को अपडेट किया है एंड पिछली वाली पैकेजिंग से कंपेयर करें तो इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग काफी अच्छी है एंड जो प्लास्टिक यूज किया है वो उसका मटेरियल भी काफी अच्छा यूज किया है जब आप जार को ओपन करते हैं तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं मिलता है आपको एक प्लास्टिक की कवरिंग मिलती है जिसने प्रोडक्ट को कवर किया होता है देन उसको हटाने के बाद आपको प्रोडक्ट मिलता है यू आर गेटिंग 100 grams ऑफ प्रोडक्ट एट द प्राइस ऑफ 200 rupees विच इज अ प्रीटी डिसेंट साइज एंड आई थिंक कि काफी अच्छा आपको प्राइस और अमाउंट का रेशियो मिल जाता है सो ये प्रोडक्ट काफ़ी सस्ता भी है एंड इसमें आपको अमाउंट भी ज़्यादा मिलता है इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो ये पार्ट इस प्रोडक्ट का एकदम बेस्ट पार्ट है बिकॉज ये प्रोडक्ट सल्फेट एंड पैराबेन फ्री है एंड इसके अंदर कुछ हेल्दी हेयर इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो आपके हेयर को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं एंड आपके हेयर को हेल्दी रखते हैं एंड ओवरऑल आपके हेयर को डैमेज नहीं करते इस प्रोडक्ट की सेंट की बात करें तो इस प्रोडक्ट की सेंट सच बता रहा हूँ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई इस प्रोडक्ट की सेंट कैसी है मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता हूँ बट ओवरऑल ये बता देता हूँ मुझे अच्छी लगी है कि नहीं लगी है मुझे ओके लगी इस प्रोडक्ट की सेंट ना ज़्यादा अच्छी लगी ना ज़्यादा बुरी कंसिस्टेंसी एंड ब्रेकडाउन की बात करें तो ये प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी में बिल्कुल क्रीम जैसा है जार से बिना किसी एफर्ट के बाहर आ जाता है एंड हैंड्स में बिना किसी एफर्ट के ब्रेक हो जाता है सो नाउ दैट वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ द बेसिक्स लेट्स मूव ऑन टू द एप्लीकेशन तो गाइज ये प्रोडक्ट एक क्रीम है तो क्रीम को हमेशा आपको एज अ प्री स्टाइलर ही यूज़ करना चाहिए तो मैं अपने हेयर को डैम्प करूंगा एंड इसको एज अ प्री स्टाइलर यूज करूंगा देन अपने हेयर को ब्लो ड्राई करूंगा पोजीशन पर देन आपको बताऊंगा ये प्रोडक्ट कैसा रिजल्ट प्रोवाइड करता है तो गाइस हम बैक विद सम डैम्प हेयर एंड नाउ मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि इस प्रोडक्ट को तो मैं एज अ प्री स्टाइलर यूज करूंगा ही बट उससे मेरे हेयर को ओनली एंड ओनली नरिशमेंट मिलेगा कुछ खास स्टाइलिंग बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे सो मैं क्या करता हूँ पर्सनली मैं जब जब इस प्रोडक्ट को यूज करता हूँ मतलब इसके कंबाइन में मैं एक स्टाइलिंग प्रोडक्ट भी यूज करता हूँ जिससे मेरे हेयर को स्टाइलिंग भी मिलेगी एंड साथ के साथ नरिशमेंट भी मिलेगा सो वो सबसे परफेक्ट चीज़ होती है एंड अगर मैं रिकमेंड करूँ आपको तो आप भी इस प्रोडक्ट को यूज़ करो तो ऐसे ही करना ताकि आपको डबल बेनिफिट मिले सो मैं इस प्रोडक्ट का अबाउट इतना अमाउंट यूज़ करूँगा इसे इमल्सिफाई करके अप्लाई करूँगा रूट से टिप्स तक लाइक दिस एंड नेक्स्ट मैं साइड किक 0 के 10 pumps यूज़ करूँगा हेयर में ताकि मेरे हेयर में वॉल्यूम आ जाए एंड हीट प्रोटेक्शन मिले मेरे हेयर को एंड नाउ मैं अपने हेयर को पोजीशन पे ड्राई करूँगा देन देखते हैं क्या रिजल्ट आया तो गाइस ब्लो ड्राइंग इज नाउ फिनिश एंड जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हेयर में काफ़ी अच्छा कंट्रोल आ चुका है बट वो इस प्रोडक्ट की वजह से नहीं आया उस तरह की वजह से ये आया है साइड किक 0 की वजह से एंड उस तरह बिल्कुल बहुत माइनर अमाउंट में आपको होल्ड प्रोवाइड करता है बिल्कुल कुछ ज़्यादा खास कंट्रोल नहीं मिलेगा एंड ये डिज़ाइन ही उसलिए होता है बिकॉज ये एक हेयर क्रीम है इससे आपको ज़्यादा होल्ड नहीं मिलता एंड फिनिश की बात करें तो इस प्रोडक्ट ने मुझे काफ़ी अच्छी मतलब हेल्दी शाइन प्रोवाइड की है एंड एक क्रीम का काम होता है आपको अच्छी शाइन देना आपका फ्रिज को एलिमिनेट करना जो सारे काम इसने किए हैं तो इसके लिए मैं इसको थम्स अप देना चाहूँगा हाँ बट अगर आप इस प्रोडक्ट को ड्राई हेयर में अप्लाई करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत कंट्रोल मिल जाएगा इस प्रोडक्ट से एंड वैसे ही शाइन फिनिश मिलेगी वॉशेबिलिटी की बात करें तो इसकी वॉशेबिलिटी थोड़ी डिफरेंट है डिफरेंट बिकॉज ये एक प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट है एंड प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट मतलब जब आप अपने हेयर को इसको डैम्प हेयर में लगा के जब अपने हेयर को ब्लो ड्राई करोगे पोजिशन पे देन उसके बाद अगर आपको इसको रिमूव करने की अगर इच्छा हो रही है आपको फिनिशिंग प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे हो तो अगर आप उस टाइम पे आप वाटर से वॉश करोगे अपने हेयर को तो आपके हेयर से टोटली रिमूव हो जाएगा मतलब ये वाटर सोल्यूबल है बट आपको ज़रूरत नहीं पड़ती इस प्रोडक्ट को रिमूव करने की एंड नाउ माई कंक्लूजन क्या मैं इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करूँगा यस बिकॉज ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है इसके इंग्रेडिएंट सेफ है आपके हेयर को बिल्कुल डैमेज नहीं करते हैं सल्फेट एंड पैराबेन फ्री है काफ़ी अच्छे अच्छे हेयर ऑयल्स हैं इसके अंदर जो आपके हेयर को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं
ये आपके हेयर से फ्रिज को एलिमिनेट करता है। हाँ, ये कोई स्टाइलिंग प्रोडक्ट नहीं है, मतलब इससे आपको कुछ खास होल्ड नहीं मिलेगा, बिकॉज ये क्रीम एंड ये डिज़ाइन हुआ है आपके हेयर को नरिशमेंट देने के लिए, आपके हेयर से फ्रिज रिमूव करने के लिए एंड आपके हेयर में थोड़ी हेल्दी शाइन ऐड करने के लिए। ओनली जो नेगेटिव मुझे लगे हैं इस प्रोडक्ट के वो ये है कि इसकी स्मेल मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई है। एंड अगर इससे आपको लिटिल बिट हल्का सा होल्ड कुछ मिल जाता तो थोड़ा बेटर रहता, बट अगेन ये एक हेयर क्रीम है तो हम कुछ नहीं कर सकते। सो गाइज़, मैं इसको 100% रिकमेंड करूँगा, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप कोई वो पर्सन है जिसके हेयर ड्राई रहते हैं, जिसे ज़्यादा होल्ड पसंद नहीं है हेयर में, केवल थोड़ी बहुत शाइन आपको अचीव करनी है, देन ये प्रोडक्ट आपके लिए है। गाइज, होपफुली मैंने इसके सारे पॉइंट्स कवर कर लिए होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आपको आइडिया लग गया होगा कि ये प्रोडक्ट आपको परचेस करना चाहिए या नहीं एंड क्या ये प्रोडक्ट आपके लिए है या नहीं। अगर आपको इस प्रोडक्ट को परचेस करना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ के साथ आपको मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया अकाउंट सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप चाहे तो मुझे वहां जाके फॉलो कर सकते हैं। वेल गाइस, इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है देन मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं देन मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड साथ के साथ वो बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले एंड आप उसे देख सकें। एंड गुड बाय कहने का टाइम आ चुका है। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू ऑल एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन कीप स्टाइलिंग एंड ड्रॉ फायर।